हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिशियन में पूछे जाने वाले मोस्ट 20 बेसिक और आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि बल्ब में लगा फिलामेंट किस धातु का बना होता है। हमारे पास चार ऑप्शन देके रखा है, सोना, चांदी, टंगस्टन और तांबा। तो जो बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है वो हमारा होता है टंगस्टन धातु का। अब अगर फिलामेंट की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि जो तार है, जैसे ये बल्ब है, बल्ब के अंदर एक यहाँ पे से फ्लेक्सिबल एक वायर लगा रहता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। ये हमारा टंगस्टन का बना होता है। जो टंगस्टन धातु है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी बल्ब एक सेकेंड में कितनी बार जलता और बुझता है। तो 50 बार, 60 बार, 100 बार या 120 बार। तो इसका रिजल्ट है हमारा 100 बार। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें कितनी बार जलता बुझता है, तो जो हमारा एसी सिग्नल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ की बात करें तो 50 हर्ट्ज़ मतलब इसमें एक सेकेंड में 50 साइकिल ये कंप्लीट करता है। 50 साइकिल अगर एक साइकिल की बात करें, जैसे हमारे एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ, जब भी हमारा सिग्नल एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव कंप्लीट करता है तो उसे उसका एक साइकिल करता है। इसका मतलब जो बल्ब एसी सिग्नल होता है वो एक सेकेंड में ऐसे 50 बार प्लस में जाता है और 50 बार माइनस में जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा बल्ब एक बार यहाँ चालू होगा, फिर बंद होगा, फिर चालू होगा, फिर बंद होगा, मतलब एक सेकेंड में हमारा जो बल्ब होता है वो 100 बार जलता है, 100 बार चालू होगा और 100 बार बंद होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट की मापन इकाई क्या है। तो जो करेंट होता है इसको हम, इसकी जो इकाई होती है मापने की होती है एम्पियर, और इसको हम एमीटर की मदद से मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज़ तार किस धातु का बना होता है। तो जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ में जो तार लगा रहता है वो हमारा बना होता है सीसा, टीन, मिश्र धातु का बना रहता है। ये जो हमारा फ्यूज़ होता है इसमें जो तार यहाँ पे लगा रहता है ये हमारा सीसा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। इस तार की ये खासियत होती है कि इसका जो गलनांक होता है ये बहुत, इसका गलनांक बहुत कम रहता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे गल जाता है, और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी मदद से जब हाई करंट इसमें से पास होता है एक लिमिट, जैसे किसी उसकी है, उसकी जो लिमिट है, अगर लिमिट से ऊपर अगर उसमें करंट जाएगा तो वो जो तार रहेगा वो हमारा जल जाएगा, और वो हमारे सर्किट को जो फ्यूज़ होता है ये इसके बीच का तार जल जाता है, ब्रेक, जिसकी मदद से हमारा जो सर्किट होता है ब्रेक हो जाता है और आगे की हमारी जो चीज़ें होती है उनको नुकसान नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु की वह खूबी जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम उसकी चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता की अगर बात करें, सिंपल इसके रिजल्ट आंसर है चालकता। प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता धातु की वो खूबी होती है जो कि उसमें से जो धारा प्रवाहित होती है उसे बहने से रोकती है। अगर धारिता की बात करें तो ये, इसको इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं। ये कैपेसिटर की वो खासियत होती है जो कि अपने आप में एनर्जी स्टोर करती है, और ये अधि स्थापन मतलब एक इंडक्टेंस होता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो है चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन, इसका रिजल्ट है हमारा चांदी। घर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर में कनेक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कनेक्शन जो होता है हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, श्रेणी में कर सकते हैं या समांतर में कर सकते हैं। तो हमारे घर पे जो चीज़ें लगी रहती हैं वो किस तरीके से कनेक्शन रहती है, तो वो रहती है हमें समांतर में, पैरेलल में कनेक्ट रहती है। सीरीज़ मतलब अगर हम क्या करेंगे, एक के बाद एक चीज़ों को अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, इसके जैसे दो सिरे हैं इनको एक जगह जोड़ दें और दूसरे दो सिरों को अगर एक जगह जोड़ दें तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। जो सीरीज होता है इसमें हमारा करंट इक्वल रहता है जबकि वोल्टेज हमारा बढ़ता है, जबकि पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड होता है, जैसे यहाँ से करंट जाएगा कुछ अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा लोड के अकॉर्डिंग, और कुछ यहाँ पे लोड के अकॉर्डिंग चला जाएगा। और एक्चुअली हम घर पे जो कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल में क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो जो कनेक्शन रहता है पैरेलल में हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे घर पे जो भी चीज़ें लगी रहती है वो सारी की सारी 220 वोल्ट पे काम करती है, और हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज हमारा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको चलने के लिए 220 वोल्ट रहता है, तो जब हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर एक को सेपरेटली
220 मिलता है, जिसकी मदद से वो आसानी से चल पाता है। अगर हम उसे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो जो 220 होगा वो कुछ ना कुछ अमाउंट में इनमें बढ़ जाएगा, तो इनको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा और वो चीज़ें सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जो घर में हम कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल में करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक क्यों लगाते हैं? हाई पावर के लिए, हाई कैपेसिटेंस के लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए या हाई वोल्टेज के लिए? तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, उसमें जो चोक हम हाई वोल्टेज के लिए लगाते हैं। तो ये जैसे कि आपके यहाँ पे कनेक्शन आप देख सकते हैं, ट्यूबलाइट का कनेक्शन। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा पाउडर रहता है? जैसे अगर आप ट्यूबलाइट को देखें तो ट्यूबलाइट के अंदर, जैसे अगर आप उसको ब्रेक करके देखेंगे तो उसमें अंदर वाइट पाउडर टाइप में लगा रहता है। तो ये क्वेश्चन है कि वो पाउडर किस चीज़ का रहता है? फास्फर का रहता है, नायलोन का रहता है, कोबोल्ट का रहता है या बेकिंग सोडा का रहता है? तो इसका रिजल्ट है फास्फर का, फास्फर का रहता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे ये जो पाउडर दिख रहा है अंदर साइड लगा रहता है। आप अगर किसी ट्यूबलाइट को ब्रेक करके अगर अंदर देखेंगे तो उसमें वाइट पाउडर रहता है, तो ये फास्फर का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस ट्यूबलाइट में नहीं होती है? तो जो हमारी ट्यूबलाइट रहती है इसके अंदर हमारी यहाँ पे चार गैसें देखे रखी है, नियोन, जियोन, आर्गन और हाइड्रोजन। तो उसमें हमारी नियोन भी हो सकती है, जिनोन भी हो सकती है, आर्गन भी हो सकती है, हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं होती है। तो इसका रिजल्ट है, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं होती है। फ्यूज़ में लगे तार का प्रतिरोध, जैसे अभी हमने बात की थी कि जो फ्यूज़ होता है उसमें जो तार होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज़ के तार का गलनांक क्या होता है? तो जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी, जब पहले वाले फ्यूज़ के क्वेश्चन की बात की थी, तो वहाँ पे जो इसका गलनांक होता है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा कम होता है, ताकि अगर ज़्यादा सप्लाई इसमें पास हो तो हमारा जो फ्यूज़ का वायर हो वो गल जाए। अगर उसका गलनांक अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमारा वायर जलेगा नहीं, ब्रेक नहीं हो जलेगा नहीं, जिससे कि सर्किट कंटिन्यू रहेगा और करंट हमारा आगे पास होगा। तो इसका रिजल्ट है, इसका आंसर है बेहद कम होता है। स्विच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो जो स्विच होता है ये हम लगाते हैं फेस पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो फेज़ है इसको हमने स्विच पर कनेक्ट किया है। और फेस पे भी, स्विच पे भी कहाँ पे? नीचे वाले पॉइंट पे हम फेस कनेक्ट करते हैं, और ऊपर वाले से हम जिस लोड को हमें चलाना है, बल्ब को जलाना है, टीवी को जलाना है या फिर सॉकेट को वर्क करवाना है, हम उसको ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज़ का पता लगा सकते हैं? तो जो फेज़, अगर बाय चांस हमारे पास एक सॉकेट है, जैसे ये वाला रहा हमारे पास ये सॉकेट है, अगर हम ऊपर से देखें तो इसमें कौन से वाले पॉइंट पे फेज़ आ रहा है, तो उसका कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे हमारे पास देखे रखा है टेस्टर की मदद से, बल्ब होल्डर की मदद से, मल्टीमीटर की मदद से या फिर सभी। तो इसका रिजल्ट है उपरोक्त सभी। हम चाहे तो फेज़ का पता हम बल्ब होल्डर की मदद से भी लगा सकते हैं, मल्टीमीटर की मदद से भी उसको चेक कर सकते हैं, और लाइन टेस्टर की मदद से भी हम फेज़ को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्टर से फेज़ चेक करते समय हमें करंट क्यों नहीं लगता है? उसमें निम्न मान का प्रतिरोध लगा होता है, उसमें उच्च मान का प्रतिरोध लगा रहता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, या निम्न में से कोई नहीं? तो अगर आप टेस्टर को अंदर से देखेंगे तो इसमें एक रजिस्टर लगा रहता है, जिसका जो हाई उच्च मान का प्रतिरोध जिसमें रजिस्टर लगा रहता है, जो कि क्या करता है, जैसे इसमें से जो करंट पास होगा तो करंट को रोकेगा और बहुत कम मात्रा में करंट को आगे पास होने देगा, जो कि करंट इससे होकर हमारी बॉडी से पास होता है, पर वो उसका मान इतना कम होता है कि हमारी बॉडी से पास तो होता है पर हम उसे फील नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मान बहुत कम होता है। तो इसका रिजल्ट है कि जो प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार की मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में क्या चेंजेस आते हैं? उसका प्रतिरोध बढ़ता है, कम होता है, या उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, या दोगुना हो जाता है? तो आप जैसे जैसे तार की अगर मोटाई को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जैसे जितना मोटा वायर होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तो इसका रिजल्ट है कि कम होता जाता है। मुक्त आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो ये प्रतिरोध कहते हैं, करंट कहते हैं या फिर वोल्टेज कहते हैं? तो एक्चुअल में ये करंट की डेफिनेशन है कि मुक्त आवेशों के प्रवाह की दर को हम धारा या करंट कहते हैं। तो इसका रिजल्ट है करंट। जैसे मुक्त आवेश है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है?
मिनी सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मॉडरेट सर्किट ब्रेकर, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीपीई का फुल फॉर्म क्या है। पीपीई अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल या फिर कहीं की भी अगर हम सेफ्टी पर्पस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है पीपीई। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब जो हम हमारी सेल्फ की सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम पीपीई कहते हैं। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिशियन के काम की बात करें तो जैसे हमारा हेलमेट, हमारा सेफ्टी हेलमेट हो गया, हमारे हैंड ग्लव्स हो गए, हमारे गूगल हो गए, ईयर प्लग, ये सारे के सारे हमारे पर्सनल पीपीई के अंतर्गत आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंडक्टर कंडक्टर तार के ऊपर इंसुलेशन की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तार की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, लीकेज करंट को रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका रिजल्ट है उपरोक्त सभी। जैसे कि अगर हम तार की बात करें, जो वायर रहता है, अगर जो तार होगा अगर उसमें इंसुलेशन नहीं लगा होगा तो पहली चीज़ तो उसे मैकेनिकल कहीं से डैमेज हो सकता है, जो पहला इसका था तार की सुरक्षा के लिए, तो वो तार की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर उसमें इंसुलेशन नहीं लगा होगा और अगर हम उसे पकड़ेंगे तो हमें करंट लग सकता है, तो तार की हमारी सुरक्षा, तार की सुरक्षा के साथ साथ में हमारी सुरक्षा के लिए भी है। और इसमें इसकी मदद से जो इसमें लीकेज करंट होता है, जो करंट का लीकेज होता है, वो भी इससे हम रोक सकते हैं, रोकने के लिए उपयोग में आता है।